उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर ट्रांसपोर्ट पर चीन से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी के फैसले का दिफा। उमर उल गाबरा का कहना है कि ये इकदामात काम करते हैं। छुट्टियों के सफर की नाकामी पर एयरलाइन पर जुर्माना आयद करने की हिमायत करेंगे। जापानी वजीर आजम आइंदा जुमेरात को कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। 2021 में मुंतखब होने के बाद किशिदा का कनाडा का ये पहला दौरा होगा। ट्रूडो का कहना है कि जापानी वजीर आजम के साथ मिलकर काम करने का मुंतजर हूँ। समंदरी तूफान फियोना से बीमा शुदा नुकसान अब 800 मिलियन तक पहुंचने का इम्कान। इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कैनेडा का कहना है कि हकीकी अखराजात बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। समंदरी तूफान फियोना ने 24 सितंबर को नोवा स्कोशिया में तबाही मचा दी थी। यूक्रेन ने रूसी सदर की जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेन में रूस की एक तरफा जंग बंदी का आगाज। यूक्रेन के सदारती मुशीर ने कहा है कि जंग बंदी की तजवीज़ मुनाफ़क़त के सिवा कुछ नहीं है। यहूदी वजीर के मस्जिद अक्सा में घुसने का नतीजा। इसराइली वजीर आजम का दौरा इमारात मनसूख। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। फलस्तीनी मंदूब फट पड़े। शदीद रद्द अमल के बाद इसराइली वजीर आजम ने वाकये पर माफ़ी मांगने की कोशिश की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अल गाबरा चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले मुसाफिरों पर लाजमी कोविड-19 टेस्टिंग नाफिस करने के हुकूमती फैसले का दिफा कर रहे हैं। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अल गाबरा चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले मुसाफिरों पर लाजमी कोविड-19 टेस्टिंग नाफिस करने के हुकूमती फैसले का दिफा कर रहे हैं। माहिरीन की राय के बावजूद, जो कहते हैं कि ये एकदम वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बहुत कम काम करेगा। चीन पाबंदियों में नरमी करने और अपनी सख्त जीरो कोविड पॉलिसी को पीछे छोड़ने के बाद फैलते हुए कोविड-19 केस के बोझ से निमट रहा है। मकामी मीडिया को अल गाबरा ने बताया कि टेस्टिंग की ज़रूरत एहतियाती काम है। ये इकदामात काम करते हैं। हमेशा कुछ लोग होंगे जो कहते हैं ठीक है, ये मुकम्मल नहीं है, लेकिन इससे तहफ़ की एक परत शामिल होती है। मुतादी अमराज और आलमी सेहत के माहरीन का कहना है कि इस इकदाम से कोविड के नए केसेस को कनाडा से बाहर रखने के लिए कुछ नहीं होगा। अल गाबरा ने यह भी कहा कि वो कंपनी के छुट्टियों के सफ़र की नाकामी के जवाब में स्नोइंग एयरलाइंस पर जुर्माने आयद करने की हिमायत करेंगे। सैकड़ों मुसाफिर जिन्होंने छुट्टियों के मौसम में गर्म मौसम की मंजिलों तक पहुँचने के लिए सन विंग का इस्तेमाल किया, वो परवास में ताखीर और मनसूखी की वजह से फंसे हुए पाए गए। एयरलाइन ने ताखीर की वजह इस बड़े तूफान को करार दिया, जिसने क्रिसमस के आसपास कनाडा के बेशतर हिस्सों को निशाना बनाया। स्नोइंग ने अपनी परवाजों को एडजस्ट करने की कोशिश की तो बहुत से मुसाफिर दिनों तक फंसे रहे। जापानी वजीर आजम किशिदा फोमियो आइंदा जुमेरात को ऑटोवा में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। 2021 में मुंतखब होने के बाद किशिदा का कनाडा का ये पहला दौरा होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जापानी वजीर आजम फोमियो किशिदा आइंदा जुमेरात को ऑटोवा में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे।
2021 में मुंतखब होने के बाद कशीदा का कनाडा का ये पहला दौरा होगा। ट्रूडो के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दोनों दो तरफा तजारत को मजबूत बनाने, यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग और जापान की आइंदा G7 सदारत पर तबादला ख्याल करेंगे। ट्रूडो ने कहा है कि मैं वजीर आजम कशीदा का कनाडा में खैर मकदम करने और कनाडा और जापान के लोगों के लिए नतायज फराहम करने के लिए और भी मिलकर काम करने का मुंतजर हूँ। कशीदा का ये दौरा उनके G7 ममालिक के ज्यादातर दौरे का हिस्सा होगा, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में एक स्टॉप भी शामिल है। जापान के वजीर आजम कशीदा फोमियो अगले हफ्ते फ्रांस, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमरीका का दौरा करेंगे, ताकि मई के महीने में हिरोशिमा में होने वाले G7 सरबराही इजलास की कामयाबी के लिए उनका तआवुन हासिल किया जा सके। जापान रवां साल के G7 फ्रेमवर्क की सरबराही कर रहा है। जापानी हुकूमत ने अपनी दिफाई सलाहियतें जामे अंदाज में मजबूत बनाने के लिए गुज़िश्ता माह 3 कुलीदी दिफाई दस्तावेजात पर नज़रसानी की थी। ये नज़रसानी जापान को सिर्फ मखसूस हालात में जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त देगी। इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा का अंदाज़ा है कि समंदरी तूफान फियोना से बीमा शुदा नुकसान अब 800 मिलियन तक पहुँच जाएंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा का अंदाज़ा है कि समंदरी तूफान फियोना से बीमा शुदा नुकसान अब $800 मिलियन तक पहुँच जाएंगे। ये तादाद ब्यूरो के $660 मिलियन के असल तखमीने से ज़ायद है। नज़र सानी शुदा तखमीना समंदरी तूफान फियोना को कनाडा की तारीख का 7वां सबसे महंगा तरीन मौसमी वाकया बनाता है और अटलांटिक कनाडा में सबसे महंगा है। ब्यूरो ज़ाती इमलाक के दावों में इजाफे की वजह बताता है, लेकिन नोट करता है कि बहुत से मुतासिरा रिहायशी सैलाब के ज्यादा खतरे वाले इलाकों और सैलाबी मैदानों में वाक़ थे, जहां रिहायशी सैलाब की इंश्योरेंस कवरेज आम तौर पर दस्तियाब नहीं है। ब्यूरो का कहना है कि उन इलाकों में होने वाले नुकसान उसके बीमा शुदा नुकसान के कुल में शामिल नहीं है, लिहाजा उसे तवक्को है कि हकीकी अखराजात $1 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। ब्यूरो का कहना है कि शदीद मौसम के नतीजे में इंश्योरेंस के दावे पिछले 15 सालों में 4 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं, जबकि कनाडा में सालाना बीमा शुदा तबाह कुन नुकसानात का नया मामूल $2 बिलियन है। समंदरी तूफान फियोना ने 24 सितंबर को नोवा स्कोशिया में तबाही मचा दी थी, जिससे मैरी टाइम्स में 5 लाख से ज्यादा सार्फिन की बिजली मुनक़ता हो गई और कम अज कम 20 घरों को समंदर में बहा दिया। यूक्रेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जंग बंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी है, जबकि यूक्रेन में रूस के ऐलान के बाद यकतरफा जंग बंदी का आगाज हो गया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जंग बंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी है, जबकि यूक्रेन में रूस के ऐलान के बाद यकतरफा जंग बंदी का आगाज हो गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन में 36 घंटे की आरजी जंग बंदी का ऐलान किया था। ताहम यूक्रेन के सदारती मुशीर ने कहा है कि जंग बंदी की तजवीज मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं है। रूस यूक्रेनी इलाकों पर से कब्जा छोड़ दे। रूसी सदर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर जंग बंदी का ऐलान किया था। सदर के ऐलान के मुताबिक जंग बंदी 36 घंटे तक रहेगी, जिसका इतलाक आज से होगा। वाज़ह रहे कि रूस और यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स मसीही 6 और 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। ये भी वाज़ह रहे 10 माह से जारी रूस यूक्रेन जंग में ये पहला सीज फायर है। दूसरी जानिब अक्वामे मुतहदा के सरबराह ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन में 36 घंटे की आरजी जंग बंदी का ऐलान का खैर मकदम किया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि यह अमल अक्वामे मुतहदा के चार्टर और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक मुनसिफाना अमन की जगह नहीं ले सकेगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में यहूदी वजीर की जानिब से मस्जिदुल अक्सा में घुसने के बाद इसराइली वजीर आजम का मुतहदा अरब इमारात का दौरा मनसूख हो गया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में यहूदी वजीर की जानिब से मस्जिद अक्सा में घुसने के बाद इजरायली वजीर आजम का मुतहदा अरब अमारात का दौरा मनसूख हो गया। मस्जिद अक्सा में इजरायली वजीर के दाखिले पर अक्वामे मुतहदा की सलामती काउंसिल के बुलाए गए हंगामी इजलास में फलस्तीनी मंदू फट पड़े। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने इसराइल को ना रोका तो फिर फलस्तीन रोकेगा। गुज़िश्ता दिनों इसराइली वजीर के मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में सहयोनी सख्तगीर वजीर के दाखिल होने पर अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने हंगामी इजलास तलब किया था, जिसमें शरीक
فلسطینی مندوب پھٹ پڑے اور عالمی بیداری کو اس کے متعصبانہ رویے پر آئینہ دکھا دیا۔ فلسطینی مندوب ریاض منصور نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اقوام عالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور مسجد اقصی کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ فلسطینی مندوب نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی وزیر کے اس اشتعال انگیز اقدام کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اتمر بین گویر کے مسجد اقصی میں گھسنے کے بعد متحدہ عرب امارات نے سخت رد عمل دیتے ہوئے چین کے ساتھ مل کر یہودی وزیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا تھا۔ امارات کے اس اقدام کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا دورہ امارات منسوخ ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو 8 جنوری کو امارات کا دورہ کرنا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے شدید رد عمل کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصی کی موجودہ حیثیت کا احترام کرتے ہیں اور اسے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے بھی اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصی میں گھسنے پر تنقید کی تھی۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستانی اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔